हेलो दोस्तों, आज हम आपको गुड्डू धनोआ सर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। 1992 में राज कन्वर की मूवी आई दीवाना। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे गुड्डू धनोआ। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। गुड्डू धनोआ ने 1994 में आई मूवी ऐलान से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1995 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई गुंडा राज। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1996 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई तू चोर मैं सिपाही। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1997 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई अफलातून। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर असरानी की उड़ान मूवी आई। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे गुड्डू धनोआ। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल गुड्डू धनोआ की 7वीं मूवी आई जिद्दी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रहा। भारत में कमाई 18 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 32 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1998 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई सलाखें। इस मूवी का बजट 9 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। सन 2000 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई बिच्छू। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रहा। भारत में कमाई 10 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2002 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई 23 मार्च 1931 शहीद। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2003 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई हवा। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल गुड्डू धनोआ की मूवी आई जाल। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई किस्मत। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2005 में डायरेक्टर आशु त्रिखा की मूवी आई सीसा। इस मूवी के प्रोड्यूसर गुड्डू धनोआ थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल डायरेक्टर अश्विन चौधरी की मूवी आई सिसकियां। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे गुड्डू धनोआ। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 37,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 53,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई बिग ब्रदर। इस मूवी का बजट 8 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2011 में गुड्डू धनोआ की मूवी आई द लाइन ऑफ पंजाब। इस मूवी ने पूरी दुनिया में
कमाई की 5 करोड़। इसके साथ है मूवी फ्लॉप रही। इसी साल गुड्डू धनुआ की मूवी आई गुलाबी। इस मूवी के लीड कास्ट में विनय आप्टे, पाकी हेकड़े, सचिन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 2015 में गुड्डू धनुआ की मूवी आई रमता जोगी। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपू सिद्धू, रोनिका सिंह, राहुल देव, अनिल ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,65,000 कमाई। इसके साथ है मूवी डिजास्टर रही। दोस्तों, आपको गुड्डू धनुआ सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।